गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राजमा और इन फ्रंट ऑफ यू। एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स पढ़ने वाले हैं जो डेली यूज होता है और आज तक हम जितना भी पढ़े हैं उससे ये थोड़ा सा हटके है। तो गाइस अटेंशन हियर। और इस रूल्स का नाम है कि जब कोई चीज हमारे पास होती है उसे बताना। दैट मीन्स हैवी वर्ब मीन्स पास होने की क्रिया, किसी चीज का हमारे पास होना। तो इसके दो यूज हम लोग देखेंगे। पहला, किसी वस्तु मीन्स नाउन का हमारे पास होना। जैसे देखिए, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक पेन है ना, हमारे पास बहुत पैसा है, इस तरह के सेंटेंसेस। देन सेकंड यूज, अपने भाई बहन या रिश्तों का बताना। सच इज, मेरा एक बड़ा भाई है ना, या फिर उसका एक छोटी बहन है, इस तरह के सेंटेंसेस बताना जहां हम रिश्तों के बारे में बताते हैं। तो गाइस इसका यूज आप देख चुके हैं, हैप्पी वर्ब का, पास होने की क्रिया, किसी चीज का हमारे पास होना। वैसे तो हम इसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम केवल प्रेजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट और फ्यूचर के वीडियो आप नेक्स्ट डेज देखेंगे। तो गाइस हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में इसका आइडेंटिटी जो होगा, हिंदी वाक्य के अंत में आएगा पास है, पास है। जैसे मेरे पास एक पेन है, आपके पास बहुत पैसा है, राहुल के पास एक घड़ी है, इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर आप किसी चीज के पास होने के बारे में बताओगे। तो गाइस यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट, आप लोगों को पहले से पता है, आठ सब्जेक्ट होते हैं, आई वी यू दे ही सी इट और नेम। तो यहाँ आई का मीन्स होगा मेरे, बी मीन्स हमारे, यू मीन्स आपके, दे मीन्स उनके, ही सी इट इन तीनों का मीन्स होता है उसके, और नेम मीन्स किसी भी नाम के। यस, और जो सब्जेक्ट है, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट हैव या हैज और जो भी नाउन हमारे पास है उस नाउन का नाम। सच इज, देखो मान लीजिए, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि क्या है हमारे पास, हैव और हैज, दो चीजें हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यदि सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई बी यू दे, तो आप इनके साथ अफर्मेटिव में क्या यूज करेंगे, हैव। और सब्जेक्ट रहा ही सी इट और नेम, तो आप इनके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, हैज। गाइस आपने देखा होगा मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसके बाकी के भी फॉर्म पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, तो अभी हम उस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको केवल अभी कितना याद रखना है, यदि सब्जेक्ट रहा आई बी यू दे तो इनके साथ हैव, ही सी इट नेम तो इनके साथ हैज, और जो भी नाउन है वो नाउन। यस, इस तरह से बस आप इसे, इसका ये फॉर्मूला देख लें, सब्जेक्ट हैव हैज और नाउन, इसके साथ है लगाने, किसके साथ है, आपको क्लियर हो चुका है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं उन्हें देखते हैं हम। मेरे पास एक घर है, मेरे मींस आई, आई के साथ क्या लगाना है आपको, हैव, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ होम। उसी तरह से पापा के पास समय है, पापा, पापा बोले तो नेम, नेम के साथ क्या लगाना है, हैज, तो क्या हो जाएगा, पापा हैज टाइम। उसी तरह से हमारे पास एक ही कार है, हमारे बोले तो क्या होगा, वी, तो क्या हो जाएगा, We have only one car। उसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे राहुल के पास घड़ी है, राहुल has watch। आपके पास पैसे हैं, you have money। उनके पास समय है, उनके बोले तो they, क्या हो जाएगा, they have time। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी के पास पावर है, क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी has power। उसी तरह से हमारे पास बहुत नॉलेज है, क्या बोलेंगे उसे, हमारे बोले तो we have lots of knowledge। मेरे पास एक लैपटॉप है, I have a laptop। आपके पास कुछ भी है, जो भी चीज, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डॉल है तो क्या होगा, you have a doll। उनके पास मान लीजिए मोबाइल है तो क्या बोलेंगे, उनके बोले तो they have मोबाइल। तो इस तरह से गाइस जब भी आपके पास पास होने वाली कोई क्रिया है, जैसे, और इसका एग्जांपल तो हमने देखा नहीं, जैसे देखिए राहुल का एक बड़ा भाई है तो कैसे बोलेंगे, राहुल हैज अ इल्डर ब्रदर, क्योंकि राहुल के साथ क्या लगाना है, हैज। तो इस तरह से आप आई वी यू दे के साथ है और उस चीज का नाम, और इसी नेम के साथ हैज और उस चीज का नाम लेकर आप बड़े आसानी से पास होने की क्रिया को दर्शा सकते हैं। गाइस आज हम इसका केवल अफर्मेटिव फॉर्म पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव थोड़े से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो कंटिन्यू इन सारे वीडियोस को आप देखते जा रहे हैं। तो गाइस प्लीज, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट सिंस यू व्हाटएवर यू आर लर्निंग फ्रॉम हियर, दैट मींस जो कुछ भी आप यहां से सीख रहे हैं
आप इसे बोलने की कोशिश कर रहे हो। गाइस आपने देखा होगा ऐसी चीजें हम अक्सर यूज करते रहते, चलते फिरते बोलते रहते यार उसके पास एक कार है, उसके बोले तो ही मान लीजिए लड़का है, ही हैज अ कार ना। राहुल के पास एक पेंसिल है, राहुल हैज अ पेंसिल। महिमा के पास दिमाग है, महिमा हैज माइंड। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी चीज किसी के पास है उसे दर्शाने के लिए हैव और हैज में आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो गाइस आज से चालू कीजिए, जैसे एग्जांपल मेरे साथ दोहराइए, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। राहुल के पास बहुत पैसा है, राहुल हैज अ लॉट्स ऑफ मनी। हमारे पास कुछ खाने का है, वी हैव समथिंग टू ईट। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर पांच शब्द आए आप हैव और हैज को यूज करें और आपस में एक दूसरे के साथ बोलने की कोशिश करें। कहीं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।